ये एक बात भारत के युवा के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। आज जो बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ भी कहा गया है सरासर झूठ है, धोखा है। भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासी के लिए जो बजट रखा है, उनका पॉपुलेशन है करीब 40 करोड़, उसके लिए बजट रखा है 12,800 करोड़। ये दलित का सरकार है, ये ट्राइबल का सरकार है, ये दलित द्रोही है, गिरिजन द्रोही है, ट्राइबल द्रोही है। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है। आज सिंगापुर में क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है। यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं। देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है, सरकार के सोच में बैंकरप्टसी है। और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने भी फेल हो गया, अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट। इनसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको दो टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है यह 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है। अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को। इनसे कुछ नहीं होता बिल्कुल। मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल में, बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम जो भी कह सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, यह क्या बात है। इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते मैं पूछ रहा हूं केंद्र सरकार को, यह मेरा हक बनता है, मैं पूछना चाहता हूं और पूछ रहा हूं, क्या इस देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी को मान रही है, ऑफिशियलाइज कर रही है? आपने खुद कहा हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं मानते, कुछ ही दिन पहले कहे थे, और आज बजट में कहते हैं कि 30% टैक्स लगाएंगे। क्या मतलब हो गया, कुछ दिमाग है इस केंद्र सरकार को? ये दिमाग रखने वाले करने की बातें, किसको कंफ्यूज कर रहे हैं आप? इस देश में किधर ले जाना चाह रहे हैं इस देश को? मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ई वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने? हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें, क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है, तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? सर टैक्स व्हाट, कुत्तों से डरने वाले नहीं है, खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो बोंगते रहते सुबह शाम, कुत्तों से डरने वाले नहीं है, खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो बोंगते रहते सुबह शाम। हम लोग कहीं गए नहीं है। एंड सर यू हैव मीटिंग्स यू नो सेवरल लीडर्स डीएमके, बात सिंपल है, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। मैं डीएमके नहीं, पूरे दुनिया के नेता लोगों से मिलता हूं, मुंबई भी जा रहा हूं, कल ही मेरा बात उद्धव ठाकरे जी से हुआ, इसमें छुपाने क्या बात है? महाराष्ट्र का सीएम साहब से मैंने बात किया, मैंने शेयर किया, क्या गलती है भाई? क्या गलती है कि मैं जा रहा हूं मुंबई, 2-4 दिन में जाऊंगा मेरे ख्याल से, क्यों जा रहा हूं? इस देश के बारे में मेरा विचार क्या है उनके सामने रख रहा हूं, हम सब भी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है।
खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भोंकते रहते हैं सुबह शाम।